हेलो स्टूडेंट्स, आपको मैं अपने इस चैनल के माध्यम से कक्षा 8, 9 और 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का पूरा ही कोर्स हिंदी में पढ़ाऊंगा। इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 8 अध्याय 2। अध्याय का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण, इसकी प्रश्नावली 2.3, प्रश्न 5 और 6। इस प्रश्नावली का 1 से लेकर 4 तक प्रश्न मैं अपने पिछले वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे आ रहे लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि मैं अपनी जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं जाता, ये फ्री में होता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए प्रश्न देखते हैं। निम्न समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। प्रश्न नंबर 5 में समीकरण दी है 2x-1=14-x और प्रश्न 6 में दी है 8x+4=3 और ब्रैकेट में x-1+7। तो सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 5 करेंगे। बच्चों, किसी भी समीकरण को हल करने का मतलब होता है उसमें जो चर दिया है उसका मान निकालना। इसमें चर क्या दिया है? x। तो हमें क्या करना है? इस x का मान निकालना। अब हम क्या करेंगे, ये जो चर हैं दोनों साइडों में इनको एक तरफ लिख लेंगे और अचर यानी संख्याओं को एक तरफ लिख लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 2x, अब इस माइनस के 1x को जब साइड चेंज कराएंगे तो ये किसका हो जाएगा? प्लस का 1x बराबर, यहाँ क्या बचता है बच्चों? 14। ठीक है, अब इस माइनस के 1 को इस 14 की तरफ ले जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा? प्लस का 1। जब साइडें चेंज होती हैं तो चिन्ह बदलते हैं। 2x और 1x कितना हो जाएगा? 3x। बच्चों यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ 1 है। ठीक है, 2 और 1 3x बराबर 14 और 1 15। अब बच्चों हमें मान किसका निकालना है? x का निकालना है, तो यहाँ संख्या और बची हुई है 3, तो इसको भी कहाँ? संख्या की तरफ ले जाएंगे। यहाँ 3 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह है। ठीक है, तो x बराबर यहाँ 15 लिखा, 15 लिखें और गुणा की संख्या जब बराबर से इस ओर आएगी तो वो बटे में आ जाएगी। ठीक है, यानी 3 को हम 15 के बटे में लिख देंगे तो हमें x बराबर प्राप्त होगा 3 से हम 15 को भाग देंगे, 3 × 15 और x बराबर 5 आ जाता है। ये हो गया हमारा समीकरण का हल। अब हम क्या करेंगे, समीकरण में उत्तर की जांच करेंगे। तो उत्तर की जांच के लिए क्या करना होता है? एल एच एस बराबर सिद्ध करना है आर एच एस, यानी लेफ्ट हैंड की समीकरण को राइट हैंड की समीकरण के बराबर सिद्ध करना है। तो ऐसा सिद्ध करने के लिए सबसे पहले तो हमें जो समीकरण दे रखी है उसको लिख लेंगे दोनों साइडों वाली, 14 - x। अब इसमें और इसमें दोनों में ही x का मान रखेंगे जो हमारा निकल कर आया है। अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो हमारा उत्तर सही है और यही हमारे उत्तर की जांच होगी। तो यहाँ 2 का 2 लिखें, 2 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो किसका चिन्ह है बच्चों? गुणा का। तो यहाँ गुणा लगाओ और 5 लिख दो और माइनस का 1 लिख दो बराबर 14 लिखो और माइनस लगाओ और x का मान 5 रख दो। ठीक है बच्चों, पहले इन दोनों की गुणा करेंगे, 5 × 2 = 10 -1 बराबर, यहाँ 14 में से 5 घटा देंगे तो 9 बचेगा, 10 में से 1 जाएगा तो भी यहाँ 9 बचेगा, तो 9 बराबर क्या हो गया? 9। हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही बराबर आ गई हैं तो इसका मतलब हमारा उत्तर सही है और यही हमारी उत्तर की जांच है। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। 8x+4=3 और ब्रैकेट में x-1+7। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमें किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है, दोनों साइडों में x दिया तो x का ही मान निकालना है। सबसे पहले हम इस वाले पोर्शन को हल कर लेते हैं। तो यहाँ 8x+4=3 और इस ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो किसका चिन्ह है? गुणा का चिन्ह। ठीक है, जैसे हम ब्रैकेट हटाएंगे तो 3 क्या करेगा? इस x को गुणा करेगा और इस -1 को भी गुणा करेगा। तो 3 और x की गुणा होती है 3x और 3 और -1 की गुणा होगी -3 और यहाँ बचा आपका +7। अब हमें क्या करना है? x और x को एक साइड में करना है, संख्याओं और संख्याओं को एक साइड में करना है। तो यहाँ 8x का 8x लिखें। ठीक है, और ये जो प्लस के 3x हैं यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो किसका? प्लस का। जब ये इधर आएगा तो -3x हो जाएगा बराबर, यहाँ पर क्या बचता है? माइनस के 3 है और प्लस के 7 हैं, जब संख्या माइनस और प्लस में हो तो घटा देते हैं, 7 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा? 4, और कौन सा चिन्ह बचेगा? प्लस का। क्यों? क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। अब इस प्लस के 4 को इस साइड में लाओ तो क्या हो जाएगा? माइनस का 4, घटा दें यहाँ, 8 में से 3 गया
तो 5x बचेगा बराबर 4 में से 4 जाएगा 0 बचेगा। अब बच्चों हमें मान किसका निकालना है, x का निकालना है, तो यहाँ संख्या बची तो इसको भी इधर लेकर जाएंगे, 5 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो किसका चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है। तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 0 ये लिखा है और गुणा की संख्या कहाँ जाती है, बटे में, ठीक है। अगर हम 5 से 0 को भाग देंगे तो हमें आंसर कितना प्राप्त होगा, 0। तो हमें x बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, 0। ये हो गया हमारा समीकरण का हल। अब हम क्या करेंगे, अपने उत्तर की जांच करेंगे। तो समीकरण लिख लेते हैं, एल एच एस बराबर आर एच एस, इन दोनों को बराबर सिद्ध करना है। समीकरण लिख लेते हैं, 8x प्लस 4 बराबर 3 और ब्रैकेट में x माइनस 1 और प्लस 7। इसमें हमें क्या करना है बच्चों, x का मान रख देना है। 8 का 8 लिखें, 8 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो किसका, गुणा का चिन्ह होगा और यहाँ x की वैल्यू 0 आ जाएगी। प्लस 4 बराबर ऐसे 3 और यहाँ क्या, 0 माइनस 1 और प्लस 7। 8 और 0 की गुणा होगी तो 0 आंसर आएगा। किसी संख्या की अगर हम 0 से गुणा करते हैं तो 0 आता है। प्लस 4 बराबर 3, 0 में से माइनस 1 जाएगा तो माइनस 1 बचेगा और यहाँ गुणा आ जाएगी माइनस 1। यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह लगाया और अंदर जब हमने हल किया तो क्या बचा हमारा, माइनस 1 और इधर प्लस 7। तो यहाँ 0 और 4 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा बराबर, सबसे पहले हमें यहाँ गुणा करनी है, ठीक है। 3 और माइनस 1 की गुणा माइनस 3 होगी, ये प्लस की संख्या है, ये माइनस की संख्या है, प्लस और माइनस की गुणा माइनस आती है और ये प्लस का 7। तो 4 बराबर ये माइनस के 3 हैं और ये प्लस के 7 हैं। जब माइनस और प्लस की संख्या होती है तो घटती है और चिन्ह कौन सी संख्या का आएगा, जो संख्या बड़ी होगी। तो यहाँ 7 बड़ी है तो यहाँ प्लस के 4 आ जाएंगे। तो 4 बराबर 4 आ गया, हमने राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों को ही बराबर सिद्ध कर लिया। तो यही हमारे उत्तर की जाँच हो गई और ये दोनों बराबर आए, हमारा उत्तर सही है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।